प्रखर हिंदुत्व की पहचान कल्याण जी के निधन से पूरा देश शोक सता है। एक खास रिपोर्ट पर नजर डालिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल सख्त प्रशासक पिछड़ों की आवाज बीजेपी का हिंदुत्ववादी चेहरा राम मंदिर आंदोलन के अगुआ कल्याण सिंह नहीं रहे। 89 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद शनिवार रात 9:15 बजे कल्याण सिंह ने आखिरी सांस ली। वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे। पिछले 1.5 महीने से लखनऊ स्थित SGPGI अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 1 महीने पहले सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, जिसके बाद बीते दिन उनकी हालत और बिगड़ गई। बीजेपी के बड़े नेताओं ने उनसे अस्पताल में जाकर मुलाकात भी की। उनके जल्द ठीक होने की दुआएं की जा रही थीं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक इन्फेक्शंस के बढ़ जाने के कारण आज इस स्थिति में हम हैं। आज ईश्वर ने हमारे हम सब के बीच में से बाबूजी को, हमारे पूज्य बाबूजी को हम सब के बीच में से छीन लिया है। कल्याण सिंह के निधन के बाद देश में दुख की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याण सिंह के निधन पर अपूर्णीय क्षति बताया है। दुख शब्दों में बयान नहीं कर सकता। कल्याण सिंह जी राजनेता, अनुभवी प्रशासक, जमीनी स्तर के नेता और महान इंसान थे। उत्तर प्रदेश के विकास में उनका अमिट योगदान है। मैंने उनके पुत्र श्री राजवीर सिंह से बात की और संवेदना व्यक्त की है। ओम शांति। कल्याण सिंह के निधन को गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय राजनीति के साथ साथ बीजेपी की बड़ी क्षति बताया है। अमित शाह ने पिछड़े समुदायों के अधिकारों के लिए उनकी लड़ाई का जिक्र किया। गृह मंत्री ने कल्याण सिंह को राम जन्मभूमि आंदोलन का नायक बताते हुए राम मंदिर शिलान्यास के दिन को याद किया, जिस दिन कल्याण सिंह का सपना सच हुआ था। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। देश के रक्षा मंत्री और कल्याण सिंह के बेहद करीबी रहे। राजनाथ सिंह ने कहा, उन्होंने अपने बड़े भाई को खो दिया है। श्री कल्याण सिंह जी के निधन से मैंने अपना बड़ा भाई और साथी खोया है। उनके निधन से आई रिक्तता की भरपाई लगभग असंभव है। ईश्वर उनके शोक संतप्त परिवार को दुख की इस कठिन घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करें। ओम शांति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल्याण सिंह के निधन पर दुख जाहिर करते हुए उन्हें सच्चा राम भक्त बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास में उनके योगदान को भी याद किया। माननीय कल्याण सिंह जी का जाना न केवल समाज का, भारतीय राजनीति का, अपितु भारतीय जनता पार्टी परिवार की भी अपूर्णीय क्षति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। शनिवार रात यूपी कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। रात से ही कल्याण सिंह के अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। पूर्व मुख्यमंत्री के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए आज लखनऊ में रखा जाएगा। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास अलीगढ़ ले जाया जाएगा। सोमवार को कल्याण सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। यूपी सरकार ने सोमवार को प्रदेश में सार्वजनिक छुट्टी भी घोषित की है। कल्याण सिंह अपने जीवन में भव्य राम मंदिर का निर्माण देखना चाहते थे। अपने अंतिम सपने के बारे में उन्होंने जी न्यूज को बताया था। मेरे भी बड़ की आकांक्षा थी, जीवन और की आकांक्षा थी कि मैं राम मंदिर को अपने जीवन काल में देखना चाहता हूँ और अब मुझे पूरा विश्वास हो चला है
कि अपने जीवन काल में मैं राम मंदिर का निर्माण देख लूँगा और फिर बड़े आराम से, चैन से, शांति के साथ दुनिया छोड़ चला जाऊँगा। राम मंदिर का निर्माण उनके जीवन काल में शुरू हो चुका था, लेकिन भव्य राम मंदिर निर्माण से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। कल्याण सिंह के लिए गए फैसले उत्तर प्रदेश और उनकी पार्टी बीजेपी के लिए भी मील का पत्थर साबित हुए, लेकिन एक राजनीतिज्ञ के अलावा वो हमेशा एक राम भक्त के तौर पर भी याद किए जाएंगे। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ इस वक्त खास मेहमानों का एक पूरा पैनल जुड़ चुका है, आइए आपसे उनका परिचय करवाती हूँ। शंभुनाथ शुक्ला हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, नमस्कार शुक्ला जी आपको। रॉय तपन भारती हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं मेरे साथ, नमस्कार भारती जी। मनीष शुक्ला हैं, यूपी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं, नमस्कार शुक्ला जी आपको। और साथ ही साथ जीनू संवाददाता विशाल पांडे मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष शुक्ला जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े नायक को जब जब याद किया जाएगा, एक नज़ीर के तौर पर वो शख्सियत, वो व्यक्तित्व सामने आएगा जिसने कई पीढ़ियों को एक 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 नया जो है यहाँ पर एक पहचान दी है, और साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व की कौन कौन सी वो बड़ी बातें हैं जो जहन में ताउम्र याद आ रहेंगी। हालांकि एक ऐसा रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। शुक्ला जी, देखिए सबसे पहले तो आज भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, करोड़ों करोड़ों राम भक्त स्तब्ध है और शोकाकुल है। एक राष्ट्रवादी राजनीति का अंत हुआ है माननीय कल्याण सिंह जी के जाने से, बाबू जी के जाने से। देखिए 1967 में पहली बार विधायक बने और तब से लेके उनका जो लंबा राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन है, अगर उस पर दृष्टिपात करेंगे तो उनका पूरा जीवन समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के उत्थान में लगा रहा। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए उन्होंने तमाम सशक्तिकरण के तमाम काम किए। शिक्षा, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में मुख्यमंत्री रहते जो उन्होंने काम किए उसकी नजीर आज भी दी जाती है। 90 का दशक जब उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में नकल विहीन परीक्षा एक सपना होती थी, उसको उस पर अध्यादेश लाकर तमाम विरोधों के बावजूद अध्यादेश लाकर उन्होंने नकल विहीन परीक्षा की नींव डाली। और आज भी लोग बहुत गर्व के साथ इस बात को कहते हैं कि हमने हाई स्कूल, हमने इंटर कल्याण सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते पास किया। ये सर्टिफिकेट था सुचितापूर्ण परीक्षा का कि हम कल्याण सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हमने हाई स्कूल इंटर पास किया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और हम कहें जरूर कहना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए उन्होंने तमाम काम किए और नौकरियों के सभी वर्गों में उन्होंने 20% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। और अगर कहें तो प्रशासक से ज्यादा उनके लिए सबसे ज्यादा राम काज उनके लिए सर्वोच्च काम था। और राम, प्रभु राम के लिए राम मंदिर आंदोलन की जब जब चर्चा होगी, इतिहास जब जब आकलन करेगा राम मंदिर आंदोलन की निर्माण की, तो कल्याण सिंह जी का नाम अग्रणी भूमिका में जरूर लिया जाएगा। बिल्कुल मनीष शुक्ला जी मेरे साथ, चूंकि खास मेहमानों में शंभुनाथ शुक्ला भी हैं, साथ ही साथ रॉय तपन भारती इस वक्त मेरे साथ हैं और रवि त्रिपाठी जी मीडिया संवाददाता इस वक्त मेरे साथ हैं। रॉय तपन भारती, जो विराट आदर्शपूर्ण छवि रही है, जिस जीवन को जिया है, जन जन के सरोकारों को जोड़ना, जन जन तक पहुंचना, यही उनकी शख्सियत की खासियत है कि उनको पूरा देश जो है नमाखों से विदाई दे रहा है, हर कोई शोकाकुल है। उनकी सदगति के लिए आप कैसे प्रार्थना करते हैं रॉय तपन भारती? देखिए कल्याण सिंह से मुझे 2-3 बार मिलने का मौका मिला था जब मैं युवा पत्रकार था 1991 में, तो उनके चेहरे का जो भाव, काम करने का जो तरीका था वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का था। वे ऐसे कड़े प्रशासक, एक मैं उदाहरण बताना चाहूँगा कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी की पैरवी नहीं सुनते थे। कभी सूबे के वो हेल्थ मिनिस्टर भी हुआ करते थे, बड़े बड़े डॉक्टरों के उन्होंने तबादले किए, उनके पास पैरवी आई। एक डॉक्टर ने तो अटल बिहारी वाजपेयी तक को पैरवी की। जैसे ही लखनऊ हवाई अड्डे पर अटल जी पहुंचे, पहले ही कल्याण सिंह जी ने कह दिया कि डॉक्टरों की
तबादले को छोड़कर सब बातों पर मैं बात करूंगा, इतना साहस था अटल जी के, मतलब कि बोलने का और इस तरह से साफ शब्दों में बोलने का। और सबको पता है कि जो नकल से जो मुक्ति जो मिली यूपी को, उसका सारा श्रेय कल्याण सिंह को जाता है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सियासी जो उपलब्धि जो हासिल हुई बीजेपी को, बीजेपी को बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी माना जाता था कल्याण सिंह के बड़े नेता बनने के पहले। तो जब कल्याण सिंह जब मुख्यमंत्री बने तो उन्हें माना गया कि गैर यादव पिछड़ा वर्ग, मतलब कि यादवों को छोड़कर तमाम ओबीसी में बीजेपी की बहुत अच्छी पकड़ बनी। यही कारण है कि बीजेपी की 2015 में वापसी हुई, फिर उसके बाद 2014-2019 में वापसी हुई, उसमें काफ़ी हद तक उनको श्रेय जाता है। उनका जन्म जो लोधी समाज में हुआ काफ़ी पिछड़ा माना जाता था, और लेकिन एक दो बार ऐसी बातें हैं कि कल्याण सिंह अपने मिजाज के अलग किस्म के इंसान थे, दो बार बीजेपी से अलग भी हो गए, बीजेपी से अलग हो गए, मुलायम सिंह के साथ उन्होंने रिश्ते बनाए, लेकिन प्रमोद महाजन जी उनको फिर वापस बीजेपी में ले आए, उसके बाद से फिर दूसरे दल में नहीं गए, और उनको अंतिम क्षण तक जो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया उनसे सलाह लेते रहे। मुझे एक यहाँ प्रसंग याद आ रहा है कि अमित शाह जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी जब बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी थे, तो हर एक रोज लगभग हमेशा कल्याण सिंह जी से सलाह मशविरा किया करते थे। यूपी के किस जिले में किस जाति का किस समाज का प्रभाव है, एक एक बिंदु पर बात करते थे। हेमवती बहुगुणा आपके पास, शंभुनाथ शुक्ला जी भी मेरे साथ हैं। शंभुनाथ शुक्ला जी, उनके व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, हर कोई जो है इस युग पुरुष को याद कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, जो उनका अभूतपूर्व योगदान है वो, और जो उनके निर्णायक फैसले हैं वो मील का पत्थर साबित हुए। ये उनका जो पूरा जीवन रहा है वो जिस तरीके से हमने देखा, चाहे वंचितों की बात हो, तमाम तबके के लोगों की बात हो, गरीबों की, महिलाओं की बात हो, और राम मंदिर में उनका योगदान अविस्मरणीय है निश्चित तौर पर। लेकिन आप बतौर शंभुनाथ शुक्ला, उनके व्यक्तित्व की किस बात को उजागर करना चाहेंगे जिसने आपको दिल से छुआ, क्योंकि जन कल्याण के तमाम लोगों को छूना और तमाम योजनाओं को लाना और धरातल पर काम करना उनकी शख्सियत की बहुत बड़ी पहचान थी, तो आप शुक्ला जी किस तरीके से याद करते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से वो बहुत ही स्पष्टवादी थे, और शायद राजनीति में स्पष्टवादी नेता का बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव किए रहना, पर उन्होंने किया। मुझे याद है 1991 में जो पहली बार वो मुख्यमंत्री थे और मैं जनसत्ता दिल्ली में था, कानपुर आया हुआ था, तो उन्होंने मुझे बुलवाया लखनऊ में और योजना भवन में मुझसे बड़ी देर बातचीत करते रहे। तो ये जो बातें थी कि खासतौर पर उन्होंने कुछ बातें कही, उन्होंने कहा कि हमारी प्लानिंग क्या है। आपको याद होगा कि 1991 में थानों में लिख दिया जाता था कि यहाँ दलालों का प्रवेश वर्जित है, यहाँ पर कोई भी ऐसा तत्व ना आए जो थाने से संबंधित ना हो, जिसका कोई काम इस तरह का ना हो। उसी तरह ना सिर्फ थानों में, खासतौर पे देखिए समस्या बेसिक क्या होती है कि कानून व्यवस्था की, तो उन्होंने पुलिस को इतना टाइट कर रखा था कि थानों में कोई गलत पैरवी नहीं चलेगी, पैरवी करने वाले ना आए। इसके अलावा जहां तक परीक्षाओं की बात थी, नकल पे इतना जबरदस्त उन्होंने कहना चाहिए कसावट कर दी थी कि नकल नहीं हो सकती। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं, विशाल पांडे मेरे साथ है, रवि त्रिपाठी मेरे साथ है। विशाल पांडे, सूबे की अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, जिन कानूनों का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे नकल विरोधी हो, चाहे एसटीएफ की गठन की बात हो, जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाने की बात हो, लेकिन यहाँ पर जो दिशा और दशा है उसको बदलने में जो कद और किरदार रहा है कल्याण सिंह जी का, वो एक नज़ीर है और देश उसका ऋणी रहेगा हमेशा। विशाल पांडे, बिल्कुल नहीं, देख बिल्कुल, क्योंकि देखिए कल्याण सिंह का जो व्यक्तित्व था, जितना उन्हें समझने का और शुरुआती दौर में पत्रकारिता का जितना उनसे मिलने का हमें मौका मिला, उस आधार पर अगर हम देखें तो कल्याण सिंह बहुत ज़्यादा स्पष्टवादी थे। वो किसी भी मुद्दे को लेकर अपने स्टैंड पर हमेशा खड़े रहते थे, चाहे पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर हो, सरकार में हो या सरकार के बाहर हो, चाहे जिस भूमिका में हो, वो अपने मुद्दों से बिल्कुल भी हटते नहीं थे। और यही कारण है कई बार उनको इसका नुकसान भी उठाना पड़ा था,
था, कई बार राजनीतिक तौर पर भी उन्हें काफी नुकसान हुआ, लेकिन वो अपने मुद्दों से नहीं हटे। शुरुआत देखिए 89 और 90 का जब ये दशक था, उस वक्त किस तरह से मंडल पॉलिटिक्स पूरी तरह से हावी हो रही थी। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह एक ओबीसी चेहरे के तौर पर उभरे, हालांकि वो शुरुआत थी, लेकिन धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में वो सिर्फ ओबीसी ही नहीं बल्कि पूरे समाज के नेता के तौर पर बनकर सामने आए, हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बने। 92 में जिस तरह से उन्होंने अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी का त्याग किया, उसे सबसे बड़ा एक तरह से बलिदान माना जाता है कि कोई नेता जिसको सबसे ज्यादा प्यार अपनी कुर्सी से होती है, लेकिन राम जन्मभूमि राम मंदिर के लिए कल्याण सिंह ने उसका भी त्याग कर दिया था। रवि त्रिपाठी मेरे साथ हमारे संवाददाता हैं, उनके पास मैं जाना चाहूंगी, आप सभी के पास मैं फिर से लौटूंगी। मंडल कमंडल का हमने जिक्र किया विशाल, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ सत्ता के शिखर तक पहुंची जो भाजपा है, उसकी जो नींव है, उसका एक बुनियादी छोर जो पकड़ी हुई थी कल्याण सिंह साहब ने, उनके जाने से वो युग का अंत तो हुआ ही, लेकिन उनका किरदार भाजपा की उन्नति के लिए किस तरीके से निर्णायक रहा, रवि त्रिपाठी कई सारे अध्याय हैं इसमें, कौन सा अध्याय आप साझा करना चाहेंगे रवि? जी बिल्कुल, अगर बात करते हैं तो भाजपा की जो राजनीतिक शुरुआत होती है, अगर 1977 में इमरजेंसी के बाद अगर जनता पार्टी के तौर पर और उसके बाद इंडिपेंडेंट, तो यही ये दौर था जब भाजपा कई जगह सत्ता में आती है, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तमाम राज्यों में सत्ता में आती है और एक बड़े नेता के तौर पर कल्याण सिंह का नाम उसमें उभर के आता। और तमाम सारी बातें जो अपने गेस्ट कह रहे हैं, और कल्याण सिंह ने खुद कहा था कि मैं मंडल और कमंडल दोनों की राजनीति का प्रतीक हूं। वो कमंडल की राजनीति भी कर रहे थे और मंडल की राजनीति, मतलब ओबीसी फेस के तौर पर वो मंडल की राजनीति के भी फेस थे। तो कहीं ना कहीं जो चीजें उन्होंने की, खासतौर पर राम मंदिर को लेकर एक बड़ा सेक्रीफाइस करना है, कहा जाए त्याग था, जिसकी कुर्सी का त्याग करना है, और जल्दी लोग कुर्सी त्याग नहीं करते, आप राजनीति में देख रहे हैं इतने लंबे समय से, उस कुर्सी का त्याग करना, साथ साथ उस वक्त में जो उत्तर प्रदेश की बड़ी समस्याएं थी, चाहे वो नकल अध्यादेश लाकर परीक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, जो टीचिंग, जो खासतौर पर कोचिंग व्यवस्था चलती थी उसको ठीक करना, क्राइम को कंट्रोल करना, उस वक्त भी याद हो आपको कि श्री प्रकाश शुक्ला को एसटीएफ बनाकर उसका उनको मारा गया था इसी उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर जो क्राइम था। वो सारे जटिल और निर्णायक फैसले हैं जिसने समाज के अलग अलग तबकों को मुख्यधारा में जोड़ने का भी एक बड़ा काम किया है, और जो उनका अभूतपूर्व योगदान है, लगातार पूरा देश उनको याद कर रहा है, मंदिर आंदोलन के नायक को अपने अपने तरीके से जो है लोग याद कर रहे हैं। इस बीच तमाम जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। इस बीच बहुत धन्यवाद हमारे तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ जुड़े, और साथ ही साथ मेरे रिपोर्टर्स का भी बहुत शुक्रिया। इस बीच कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस पर एक नज़र डालते हैं, आइए। बहुत चुनौतियाँ आई हैं तो उसका उन्होंने काफ़ी डटकर मुकाबला किया, बड़े संघर्षशील रहे। उनके निधन पर हमारी पार्टी गहरा दुख प्रकट करती है और कुदरत से ये प्रार्थना करती है कि उनके अनुयायियों व उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। सदे कल्याण सिंह जी का जाना हम सबके बीच से बहुत ही पीड़ादायक है। बाबूजी हम लोगों के अभिभावक थे। श्री कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के ऐसे पुरोधा थे जिन्होंने पूरा जीवन प्रभु राम के चरणों में बिता दिया। उन्होंने जब वक्त आया तो अपनी पूरी सरकार की आहुति प्रभु राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने दे दी। आज पूरे प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पूरे प्रदेश का आम जनमानस बहुत ही दुखी है, द्रवित है। मेरी यादें इतनी हैं कि मैं जीवन भर भुला नहीं सकता। वो क्षण मुझे याद आते हैं जब जब बाबूजी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता था और साधारण कार्यकर्ता से जब जब आवश्यकता पड़ी बाबूजी ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया, और मैं कह सकता हूँ कि आज केंद्रीय राज्य मंत्री अगर मैं हूँ और राज्यसभा का सांसद हूँ, बाबूजी का विशेष आशीर्वाद इसमें है, और हर पल बाबूजी का साथ रहा। वो मेरे राजनीतिक गुरु थे, मेरे मार्गदर्शक थे, मेरे संरक्षक थे और मेरे आदर्श भी थे। तो श्री राम के भक्त और प्रशासक सख्त, हम बात करें कल्याण जी की, उनके जाने से जो रिक्त स्थान बना उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन हर कोई उनको अपने तरीके से नमन कर रहा है। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।